नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। खबर सहरसा से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के गांधी पट वार्ड नंबर 8 में एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, क्योंकि घनी आबादी के बीच अवस्थित एक मकान में आग लगी थी। घटना की सूचना मिलने के बाद 2 दमकल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। आग की लपेटें इतनी भयानक थी कि इलाके के लोगों में दहशत व्याप्त हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो उक्त घर में किरासन तेल का कारोबार होता था, जिसमें अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर पाकर मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं मौके पर पहुंचे जिला फायर ब्रिगेड प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि एक घर में आगलगी की घटना घटी है, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इधर इस आगलगी की घटना में हुए नुकसान का आकलन घर वालों के द्वारा किया जा रहा है। पीड़ित घर वालों ने आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया है। हमारे घर से फोन हुआ जो आपके गोदाम के बगल में जो आग लग गया, यहाँ आए तो देखे बगल वाले रूम में काफी आग लगा हुआ था। हम लोग सब मिल के अपना गोदाम को खाली किया। आप लोग का कोई क्षति हुआ? हमारा क्षति तो नहीं हुआ, लेकिन भीतर में जो आदमी था उन लोगों का काफी क्षति। क्या चीज रखा गया, कैसे? ये तो नहीं बता पाएंगे, वो भीतर वाले आदमी बता पाएंगे क्या है। किरासन तेल की बीमारी, मतलब ये चीज तो हम नहीं बता पाएंगे क्या है। इनका मकान है ये मकान है स्वर्गीय सुरो भगत। यहाँ किराएदार रहते हैं? हाँ, किराएदार भगत। आपका क्या नाम है? मेरा गोपाल कुमार साहा। सूचना मिला और हम एक छोटी गाड़ी एक बड़ी गाड़ी लेके घटनास्थल पर पहुंचे और आग काबू कर लिया गया है। अब इसका जांच पड़ताल करेंगे। क्या जानकारी मिला, किस चीज में आग लगा हुआ था? आग मैसेज मिला है कि मिट्टी के तेल में आग लगी है। यहाँ क्या वो थिनर बनाने का काम किया जा रहा है? ये तो अभी जांच करेंगे, आग बुझाने के बाद पूछा जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। आप क्या है अभी? अग्निशमन प्रभारी है अभी वर्तमान में।